जब मैं शादी करके ससुराल आई तो घर में सिर्फ मेरे ससुर ही हुआ करते थे और एक नौकरानी होती थी जो कि मेरे सास सोती थी। जब मैं सुबह उठती तो मेरे पूरे बदन पर नीली स्याही लगी होती थी। मैं हैरान थी कि यह कैसे हो गया। एक दिन मैंने अपनी नौकरानी को नींद की दवा खिलाकर अपनी जगह पर सुला दिया और खुद कमरे में छिप गई। मुझे छिपे हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि मेरे ससुर ने मुझे समझकर नौकरानी के साथ आज भी मेरे पूरे बदन पर वही नीला निशान था। लगातार 10 दिन से रोज मेरे बदन पर यही निशान नजर आ रहा था। इस स्याही के निशान से मैं बहुत परेशान सी हो गई थी। कौन था जो रात में ये निशान मेरे पूरे बदन पर लगाता था। मैं जब नहाती तो वो निशान हल्का सा हो जाता था। पहली बार जब मैंने ये निशान देखा तो सोचा कि शायद कहीं से लग गया होगा, लेकिन वही निशान रोज मुझे नजर आने लगा। अब तो मुझे कुछ शक होने लगा था, लेकिन मैं शक भी करती तो किस पर। मेरे घर में मेरे अलावा बस दो ही लोग थे, एक मेरे ससुर जी तो दूसरी एक काम वाली लड़की जो कि मेरी उम्र की थी। बात कुछ यूं है कि मेरी शादी के बाद ही मेरे पति को वापस दिल्ली शहर जाना पड़ा क्योंकि वो वहाँ जॉब करते थे। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे ससुर जी थे, सास की तो पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और मेरे पति महेश अपने मम्मी पापा के अकेले वारिस थे, लेकिन वो अब दिल्ली शहर में जॉब करते थे और मुझे कहते थे कि कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें यहाँ बुला लूँगा। मैं अपने पति के जाने पर बहुत उदास रहती थी। घर में एक नौकरानी भी थी जो दिन रात हमारे घर पर ही रहती थी, वरना तो घर में मैं और मेरे ससुर जी ही अकेले होते थे। लोग तरह तरह की बातें ना बनाए इसीलिए मेरे शादी से कुछ दिन पहले ही एक नौकरानी दिन रात के लिए रख दी गई थी जो हर काम करती और रात को मेरे साथ सो जाया करती थी। वो भी जवान लड़की थी। पहले तो मेरे ससुर जी का ज्यादातर समय अपने कमरे में ही गुजरता था। वो बाहर हॉल में तभी आते थे जब उन्हें नाश्ता या खाने की जरूरत होती। मेरे ससुर जी बहुत अजीब किस्म के इंसान थे। खाना खाने से पहले हाथ धोते तो काफी देर तक हाथ ही धोते रहते थे, फिर बार बार अपने हाथों को सूंघते और कहते कि पता नहीं कौन सा हाथ ठीक से धुला है और कौन सा नहीं। फिर खाना खाते हुए टीवी देखते रहते। वो बहुत ज्यादा बात भी नहीं करते थे, बस काम होता तो बुला लेते थे वरना आवाज भी नहीं देते थे। मैं पूरा दिन उस नौकरानी के साथ घर में काम करवाती और साथ साथ बातें भी करती रहती थी। शुरू का 2 महीना तो ऐसे ही गुजर गया था। महेश से भी मेरी हर आधे घंटे के बाद बात होती थी। मैं हर बार उनसे कहती कि मुझे अपने पास कब बुला रहे हैं, तो वो यही कहते कि कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही दिन गुजरने लगा। जब कभी मैं नौकरानी से अपने ससुर के कमरे की सफाई करने को कहती तो वो नहीं करती। कहती, भाभी आप मेरे साथ चले, मुझे साहब से बहुत डर लगता है। बार बार मुझसे कभी बेड की चादर बदलवाते रहते हैं, कभी कहीं झाड़ू लगवाते रहते हैं, कहते हैं कि तुम ठीक से सफाई नहीं करती हो। मैं नौकरानी के बात पर हंसने लगी और कहने लगी कि वो कुछ बहमी है। तो वो कहने लगी, नहीं भाभी, मुझे तो आपके ससुर जी अजीब इंसान लगते हैं, उनकी नज़रें अच्छी नहीं हैं। क्या आपको पता है कल मुझे कहने लगे, इतनी गर्मी है मेरे कमरे में, मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो दुपट्टा उतार कर काम कर लेना। मुझे उनकी यह बात बहुत अजीब सी लगी। मेरी नौकरानी पूजा का तो मैंने यह कहकर टाल दिया कि बेटी समझकर तुम्हारा एहसास कर लिया होगा। वो कहने लगी, जाने दो भाभी, हमने सारी जिंदगी तरह तरह के लोगों के घरों में काम किया है, सबकी नज़रों को अच्छी तरह से जानते हैं। फिर वो किचन में चली गई। मैंने उस रात को भुला दिया, लेकिन अब जो मेरे साथ हो रहा था कुछ अजीबो गरीब सा था। आखिर कौन था जो नीला स्याही मेरे पूरे बदन पर लगाता था और मुझे महसूस भी नहीं होता था। मैं देर तक जागती रहती। मेरी काम करने वाली लड़की मेरे ही कमरे में जमीन पर बिस्तर लगाकर सोई थी। रात को 2 बजे तक तो मैं जागती रही, लेकिन फिर मुझे नींद लग गई। पूरा दिन घर के काम करके मैं पूरी तरह जाग नहीं पाती थी। एक बार जब मैं अपने ससुर जी के कमरे में उन्हें चाय देने गई तो मेरे होश उड़ गए। वो नीली स्याही को उंगली में लगाए खाली कागज पर कुछ लकीरें खींच रहे थे। मैं तो उन्हें शाम की चाय देने के लिए गई थी, लेकिन जो कुछ देखी थी मेरे तो होश उड़ने के लिए काफी था। जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो पहले तो मैं घबरा गई, फिर वो मुझे देखकर गुस्से से बोले, तुम बिना पूछे क्यों मेरे कमरे में आ जाती हो, क्या तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि दरवाजे पर पूछकर अंदर जाते हैं। पहली बार उन्होंने मुझसे इस लहजे में कहा, मेरा तो रंग फीका पड़ गया।
मैं वापस लौट गई और सीधा अपने कमरे में आ गई। मेरे दिल की धड़कनों का यह आलम था कि जैसे सीने से दिल निकलकर बाहर ही आ जाएगा। मुझे अपने शरीर पर लगी स्याही का निशान दिमाग में घूमा, क्या वो निशान मेरे ससुर जी? यह ख्याल आते ही मेरी रूह कांपने लगी। ये अजीब सी बात थी, मुझे सोचते ही झुरझुरी सी होने लगी थी। पहले तो मैं दिल ही दिल में इस बात से इनकार करती रही, वो मेरे पिता की जगह है, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। लेकिन यह हकीकत थी कि मेरे पेट पर स्याही का निशान होता था और मेरे ससुर जी भी उसी रंग के स्याही से सफ़ेद कागज़ पर कुछ लकीरें खींच रहे थे। एक बार मैं अपने कमरे से निकलकर किचन में गई तो मेरे ससुर जी नौकरानी के बिल्कुल पीछे खड़े थे। वो ध्यान से बर्तन धो रही थी। वो उसके इतने करीब थे कि शायद चंद इंच का फैसला हो। मुझे बहुत अजीब सा लगा। इसका मतलब कि नौकरानी उस दिन ठीक कह रही थी कि मेरे ससुर जी की नज़र और नीयत अच्छी नहीं है। मैं किचन में चली गई और मैंने अपने ससुर जी से कहा कि पापा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें आज से पहले कभी किचन में नहीं देखा था। वो मेरी आवाज़ पर बुरी तरह से हड़बड़ाए। मुझे किचन में देखकर वो घबरा सा गए थे। मेरी आवाज़ पर वो नौकरानी बर्तन धोना छोड़कर मुझे देखने लगी। वो भी शायद मेरे ससुर के आने से बेखबर थी। ससुर जी अजीब नज़रों से हम दोनों को देख रहे थे। मैंने नौकरानी को नज़रअंदाज किया और ससुर जी से किचन में आने की वजह पूछने लगी तो वह कहने लगे कि मैं इस नौकरानी की छुट्टी करवा दूंगा, यह झाड़ू देकर बिना हाथ धोए बर्तन धो रही है, इसके हाथ गंदे हैं। वो परेशान सी हो गई, कहने लगी साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं, मैंने सबसे पहले हाथ धोए थे, इसके बाद ही किचन में बर्तनों को हाथ लगाया था। मेरे ससुर जी तो उस नौकरानी से बहस पर उतर रहे, कहने लगे कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरे बेटे के पैसे हराम के हैं क्या, तुम्हें तनख्वाह भी दे और तुम गंदे बर्तन भी धोती हो, ये तो मैंने आज देख लिया, वरना न जाने तुम कब से गंदे बर्तनों में ही हमें खाना दे रही हो। मैंने अपने ससुर से बहुत कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं खुद नौकरानी से बात कर लूँगी, लेकिन वो भी मुझ पर गुस्सा करने लगे, कहने लगे तुम्हारी ही कमी का नतीजा है, वरना मैं इस लड़की को दो मिनट में सीधा कर दूँ। मेरा बेटा बाहर न जाने कैसे कैसे अपना गुजारा करके घर पर पैसे भेजता है और ये लड़की हमें गंदे बर्तन में खाना देती है, आज से तुम ही मेरे बर्तन साफ करोगी। इस लड़की के हाथ में बर्तन देखे तो इसे धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। वो गुस्से से यह बातें कहते हुए किचन से निकल गए। वो लड़की तो रोने लगी, कहने लगी मुझे यहाँ काम नहीं करना है, पैसे लेते हैं तो अपनी मेहनत के लेते हैं, हमने अपनी इज्जत नहीं बेच रखी है, जो ये साहब मुझे इतनी बात सुना रहे हैं। वो भी गुस्से से नौकरी छोड़ने को तैयार बैठी थी। मैंने उसे अपने गले लगाकर चुप कराया। मैं भी अपने ससुर के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी, मुझे ये हौसला था कि एक औरत मेरे साथ रहती है। अभी तो मैं एक परेशानी से निकल नहीं पाई थी कि मेरे पेट पर नीली स्याही के निशान आते कहाँ से हैं और एक नौकरानी के कमरे में होते हुए कैसे मेरे ससुर मेरे कमरे में आ सकते हैं। मैंने नौकरानी से कहा कि तुम बर्तन को हाथ नहीं लगाना, मैं खुद धो दूंगी, लेकिन तुम काम छोड़कर मत जाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से नौकरानी को राजी करके किचन से बाहर निकाली। तभी बाहर हॉल में मेरे ससुर मेरे पति से फोन पर बहस कर रहे थे कि वो नौकरानी को घर से निकाल देंगे, लेकिन मैं भी सोच चुकी थी कि मैं इससे साफ साफ कह दूंगी कि नौकरानी को मैं कभी छुट्टी नहीं दूंगी। अब तो मैं बिल्कुल भी अकेले रहने के लिए राजी नहीं थी। मैंने महज से भी कह दिया कि अगर नौकरानी घर से गई तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी, मैं तुम्हारे पापा का ठेका नहीं उठाई हूँ, ससुर जी को बर्तन से तकलीफ है तो मैं खुद धो दूंगी। तब मेरे पति ने अपने पापा को न जाने कैसे समझाया कि अब वो बहस नहीं करते थे, मैं खुद बर्तन धोने लगी। मैं खाना भी ससुर जी के सामने खुद रख देती थी और मैं कुछ देर आराम करने के लिए अपने कमरे में जाने लगी तो वो मुझसे कहने लगे कि आज के बाद मुझे ये नौकरानी मेरे कमरे में नजर न आए, आज के बाद मेरे कमरे की सफाई का ख्याल तुम रखोगी। यह सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैंने सोचा कि अभी ससुर जी गुस्से में है, दो चार दिन काम कर देती हूँ फिर खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि उनका मुझे अपने कमरे में बुलाने का मकसद क्या था। मैं जब ससुर के कमरे में अंदर गई ताकि उनके कमरे में सफाई कर दूँ तो वो फिर से नीली स्याही से एक सफ़ेद कागज़ पर लकीर खींच रहे थे। मुझे देखकर जल्दी से सब कुछ दराज में रख दिया और सीधे होकर बैठ गए। मैंने कहा पापा जी मैं सफाई कर दूं, तो कहने लगे हाथ धोकर करना।
मैंने उनके बेड की चादर बदली और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन वो बार बार मुझे ही देख रहे थे। एक बार भी उन्होंने मुझसे नज़र नहीं हटाई थी, और अगर वो यूं ही देखते रहते तो मैं कभी भी सुकून से काम नहीं कर सकती थी। मेरे हाथ भी कुछ घबराहट से कांपने लगे। मैं बार बार दुपट्टे से अपने चेहरे पर आने वाला पसीना पोंछ रही थी, साथ साथ कालीन पर झाड़ू भी दे रही थी। मेरे ससुर जी कुर्सी से उठकर मेरे पास आ गए और मेरे सामने आकर खड़े हो गए, तो मुझे भी खड़ा होना पड़ा। और मुझसे कहने लगे, इतनी गर्मी है, तुम अपना दुपट्टा उतार कर झाड़ू लगा लो। मैं तो वैसे भी वॉशरूम में नहाने जा रहा हूँ, कमरे में कोई नहीं है। उनकी बात का स्वर इस कदर धीमा था कि मुझे सुनकर हैरत हो रही थी, वरना वो हर वक्त तेज आवाज में बात करते थे। मुझे नौकरानी की बात याद आ गई। मैंने कहा, नहीं, मुझे अपना दुपट्टा पहनकर काम करने की आदत है। अभी मैं यह कह ही रही थी कि उन्होंने जेब से रुमाल निकाला और मेरे चेहरे से पसीना साफ करने लगे। मैं पीछे हटी और वो भी घबरा से गए। फौरन वो अपने कमरे के वॉशरूम में चले गए। मेरे दिल की ये हालत थी कि धड़कना ही भूल गया था। मुझे तो अपने ससुर की नीयत पर शक होने लगा था। मैंने जल्दी जल्दी उनके कमरे की सफाई की और कमरे से बाहर निकल के पूरा दिन में परेशानी रही। रात को जब मैं नौकरानी के साथ अपने कमरे में आई तो वो जमीन पर अपना बिस्तरा बिछा रही थी। मैंने कहा, पूजा जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैंने सोचा मुझे नौकरानी से सारी बात बतानी चाहिए। वो अपना बिस्तर छोड़कर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उसे कहा कि तुम जो कुछ भी मेरे ससुर के बारे में कहती हो, मुझे वो सब सच लगने लगा है। फिर मैंने उसे ये भी बता दिया कि रोज मेरे शरीर पर नीली स्याही का निशान होता है। वो ये बात सुनकर मुझे हैरत से फटी फटी आंखों से देखने लगी। कहने लगी, भाभी, मुझे तो आपके ससुर पर पहले से ही शक है। मुझे तो लगता है कि वो आप पर कुछ गलत भी करते हैं। हमारे गांव में भी एक ससुर ने गलत करके बहू से शादी कर ली थी। उसका पति भी बाहर रहता था और उसकी पत्नी मर चुकी थी। नौकरानी की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। पहले तो साहब मुझे देखते रहते थे, और अब मेरी जब भी उन पर नजर पड़ती है तो वो आपको ही देख रहे होते हैं। मुझे भी निकालने के चक्कर में है, इसीलिए तो बिना वजह मेरे हर काम में ऐब निकालते हैं। मेरा दिल तो यह सब सुनकर घबराने लगा। अब मैं अपना कमरा लॉक करके सोने लगी थी। अब मेरे शरीर पर निशान भी नहीं होता था। अब तो मुझे यकीन होने लगा था, रात को जरूर मेरे ससुर मेरे कमरे में आते हैं, शायद कोई गलत काम भी करते हैं। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? जब से मैंने कमरा बंद करना शुरू किया, मेरे ससुर मुझे घूर घूर के देखने लगे थे, लेकिन मैंने कोई परवाह ही नहीं की। लेकिन कुछ दिन के बाद ही मेरे ससुर तो मुझ पर चिल्लाने लगे और कहने लगे कि तुम अपने कमरे का दरवाजा क्यों लॉक करती हो? मेरा बेटा तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ कर गया है। मुझे इस नौकरानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं खुद आकर बार बार कमरे को झांकता हूँ कि कहीं ये कोई कीमती चीज चुरा कर भाग ना जाए। ससुर जी के किसी भी बात पर मुझे भरोसा नहीं था। मैंने रात को महज से कह दिया कि मुझे जल्द से जल्द अपने पास बुला लो, मुझे तुम्हारे पास आना है। तो जो बात महेश ने मुझे बताई, ये सुनकर मुझे रोना आने लगा। कहने लगे कि पापा ने मुझे तुम्हें यहाँ लाने से सख्ती से मना किया है। पापा कहते हैं कि बहू को बाहर नहीं भेजूंगा। मैं ये सुनकर रोने लगी। मैंने कहा, महेश, मुझे यहाँ नहीं रहना, या तो आप वापस आ जाए या मुझे अपने पास बुला ले। महेश कहने लगे, बस एक साल की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा, तुम बस इस साल के लिए रह लो। मैं इस बात पर भी नहीं मानी थी, लेकिन महेश अपने मजबूरी बताने लगे कि एक साल बाद उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं, अगर वो छोड़कर आ गए तो उन्हें नुकसान हो जाएगा। मुझे अपने ससुर से चिढ़ होने लगी थी, न जाने वो क्या चाहते थे। मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती थी। कमरा बंद रहता तो वो चीखने लगते थे, और सारे काम नौकरानी के बजाय वो मेरे जिम्मे लगा चुके थे। जिस तकलीफ से मैं गुजर रही थी वो मैं ही जानती थी। अब तो वो हर बात पर मुझे टोकने लगे थे। मैं अपने कमरे में दोपहर को आराम करने जाती तो हंगामा मचा देते कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र और परवाह नहीं है, मुझे खाना देकर समझती हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। मैं महेश से तुम्हारी शिकायत करूंगा। मैं उनके रोज रोज की इस बहस से तंग आ चुकी थी। मैंने कहा कि आप बताइए मुझे क्या काम है। मैं आपका कमरा खुद साफ करने लगी हूँ, आपके सारे काम खुद करती हूँ, खाना आपको समय पर देती हूँ, इसके अलावा मेरी और क्या जिम्मेदारी है। वो कहने लगे कि तुम मेरे पास बैठकर मुझसे बातें नहीं करती, मुझे समय नहीं देती। एक काम मेरे लिए बेहद मुश्किल था कि मैं बैठकर उनके साथ बातें करती, भला मैं उनसे क्या बातें कर सकती थी। उन्हें खुद भी ये सोचना चाहिए था
न ही उनका कोई दोस्त था कि वो घर से बाहर जाते या कोई दोस्त घर पर आए। गांव में भी उनके सख्त मिजाज के चर्चे थे। मेरी सास भी उनसे बहुत ज्यादा डरती थी। लोग उनसे बात करने से पहले घबराते थे। इस बार मैंने उनकी बात से साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि आपको मेरी शिकायत लगानी है तो शौक से लगा दे, लेकिन मैं आपके साथ बैठकर बात नहीं कर सकती। एक बहू होने के नाते मैं जो कर सकती हूँ मैं वो कर रही हूँ। इससे ज्यादा की उम्मीद आप मुझसे ना ही रखें तो बेहतर है। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से भड़क गए, लेकिन मुझे कुछ नहीं बोले, अपने कमरे में वापस चले गए। नौकरानी भी वहीं खड़ी सारी बातें सुन रही थी। कहने लगी, भाभी आपने बिल्कुल ठीक किया है। भला आप कोई साहब की पत्नी हो जो घंटों उनसे बातें करती रहे। मुझे नौकरानी की बात सही ही लगी थी। मेरा भला क्या रिश्ता था कि मैं उनसे बात करती। मैंने सोचा अच्छा ही है, वो मुझसे नाराज हो गए हैं, कम से कम अब मुझे परेशान तो नहीं करेंगे। लेकिन जो मेरे साथ रात को हुआ मैं तो डर गई। सुबह मेरे पूरे शरीर पर नीले रंग का निशान लगे थे। नौकरानी अब तक सोई पड़ी थी। मैंने उसे बताया तो वो कहने लगी, मेरा सर भारी है, मुझे नींद आ रही है। रात भर भी मुझे होश नहीं रहा कि मैं कहाँ सोई हूँ। फिर कहने लगी, हाँ मुझे याद आया, रात को मेरे सिर में हल्का सा दर्द था। सामने मुझे एक सिर दर्द की गोली दी और कहने लगी कि ये खा लो ठीक हो जाओगी। लेकिन न जाने वो खाते ही मुझे होश नहीं रहा और मैं यह सोचने लगी कि इसने तो गोली खाई थी, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं खाया था। मुझे क्यों याद नहीं आता कि आखिर क्यों मेरे शरीर पर ये निशान होता है। अब मैं सोच चुकी थी कि मैं चुप नहीं रहूंगी। मैंने रात को नौकरानी को एक नींद की गोली खिलाई और अपने बेड पर सुला दिया और छुप गई। नौकरानी को मैं पहले ही बता चुकी थी, वो मेरी मदद करने को तैयार थी। मैं पर्दे के पीछे छुपी। जब रात के 2 बजे मेरे ससुर मेरे कमरे में आए और बेड के करीब जाने लगे, जैसे ही वो बेड के करीब हुए मैंने लाइट जला दी। मेरे ससुर बेड से पीछे हट गए, मुझे अपने पीछे देखकर हैरान हो गए और कमरे से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद मैं रस्सी से बंधी हुई थी, मेरे हाथ पीछे बंधे हुए थे, मुझे रुमाल से मेरी आँखों को बांधा गया था। मेरी आँखों से बेबसी की आंसू निकल रहे थे। दूसरी ओर कुर्सी पर मेरे ससुर बैठे थे, उन्हें भी रस्सी से बांधा गया था। सामने 2 मर्द खड़े थे और मेरी अलमारी से सारे गहने निकाल रहे थे। वो नौकरानी भी उनके साथ ही खड़ी थी। सारा खेल उसी नौकरानी का रचाया हुआ था। वो कहने लगी कि वो कब का हर चीज से हाथ साफ कर चुकी होती, बस मेरा वो भरोसा जीतना चाहती थी। जानबूझकर वो मेरे ससुर के बारे में मेरे दिल में शक डालती थी। मेरे शरीर पर निशान भी वही लगाती थी और मेरे ससुर से मेरे खिलाफ बात करती थी कि साहब आपकी बहू अच्छी नहीं है, आपको समय देने को तैयार नहीं है, इसीलिए तो आपसे कोई बात नहीं करती। क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि मेरे ससुर कुछ बहमी है, इसीलिए उनके सामने जानबूझकर झाड़ू वाले हाथों से बर्तन धोती थी। वो चाहती थी कि हम ससुर और बहू एक दूसरे से उलझते रहे और वो अपना काम कर जाए। जब मैंने उसे अपना प्लान बताया तो उसने अपने 2 मर्दों को बुला लिया। उसने कोई नींद की दवा नहीं खाई थी। वो मुझे और मेरे ससुर को एक कमरे में इकट्ठा करना चाहती थी और रात को उसने मेरे ससुर से कहा कि आपकी बहू मुझे अपनी जगह सुलाकर रात को किसी और से मिलना चाहती है, अगर यकीन ना आए तो रात को मेरे कमरे में आकर देख लेना। इसीलिए मेरे ससुर रात को मेरे कमरे में आए तो बेड के पास जाकर यही देखने लगे कि कौन सो रहा है। तभी मैंने लाइट जला दी। मुझे कमरे में देखकर वो वापस जाने लगे तो दरवाजे पर 2 मर्द खड़े थे जिनके हाथ में तेज धार चाकू थे। इन मर्दों के कमरे में दाखिल होते ही नौकरानी उठ खड़ी हो गई। हम दोनों ससुर बहू की रस्सियों से बांधकर सब कुछ चोरी करने लगे। अचानक ये हुआ था कि उसी रात महेश वापस आ गए थे, हमें सरप्राइज देना चाहते थे। लेकिन जैसे ही घर पहुंचे तो घर का मेन गेट खुला था तो वो घबरा से गए। जब अंदर आए तो 2 मर्दों की आवाज सुनकर समझ गए कि कोई चोर घर में घुस आया है। उन्होंने ससुर के कमरे में जाकर पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस घर पहुंच गई और हम बाल बाल बच गए। मेरे ससुर ने महेश को वापस दूसरे शहर जाने से सख्ती से मना कर दिया कि हम कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन किसी नौकर को दिन रात अपने घर में नहीं रखेंगे। वो घर के भेदी होते हैं और फिर जब मौका मिलता है अपना काम कर जाते हैं। मेरी शादी को 5 साल गुजर गए हैं, मेरा एक बेटा भी है, लेकिन मैं घर के सारे काम खुद करती हूँ। नौकरानी के लिए अगर मेरे पति कभी कह भी देते हैं मैं मना कर देती हूँ। हमें बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर शक नहीं करना चाहिए।
तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।